हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इन प्रीवियस लेक्चर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस, उसके इंट्रोडक्शन, उसके फंक्शंस और फीचर्स के बारे में जाना, और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जाना। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स क्या होती हैं, कितने टाइप का होता है। ये तो आप लोगों को पता चल ही गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एक इंटरफेस का काम करता है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स होती हैं। देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें देखिए, सबसे पहले है सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, देन मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब इसके टाइप्स हैं। वन बाय वन जो है हम इनको डिस्कस करते हैं इन डिटेल। कि सबसे पहले देखिए कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कि अभी डेफिनेशन आप इसको देखो, द यूजर्स ऑफ अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। मतलब यूज़र जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टली जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं होते। ईच यूज़र प्रिपेयर्स हिज जॉब ऑन एंड ऑफ लाइन डिवाइस लाइक पंच कार्ड्स एंड सबमिट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। मतलब कि हर यूज़र जो है अपनी एक पर्टिकुलर जॉब प्रिपेयर करता है, अपने एक पर्टिकुलर टास्क प्रिपेयर करता है, एंड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर टास्क, टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर जॉब एंड देन सबमिट इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। और उसके बाद क्या करता है कि वो कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट करता है। मतलब पहले वो सारा का सारा डाटा, सारा का सारा वर्क जो है वो इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद वो कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट करता है। टू स्पीड अप प्रोसेसिंग जॉब्स विद सिमिलर नीड्स आर बैच टुगेदर एंड रन एज अ ग्रुप। मतलब इसका मतलब क्या है कि प्रोसेसिंग की स्पीड बनाने के लिए क्या होता है कि जो जो वर्क का, जो टास्क का जो ग्रुप या बैच हम बनाते हैं वो एज अ ग्रुप एग्जीक्यूट होता है, एज अ बैच एग्जीक्यूट होता है टुगेदर। द प्रोग्रामर्स लीव देयर प्रोग्राम्स विद द ऑपरेटर। प्रोग्रामर्स जो है ऑपरेटर पे छोड़ देते हैं सारे के सारे प्रोग्राम, एंड द ऑपरेटर देन सॉर्ट्स द प्रोग्राम। फिर ऑपरेटर क्या करता है कि वो सारे के सारे प्रोग्राम्स को जो है सॉर्ट करता है वन बाय वन, क्योंकि क्योंकि एक साथ यूज़र जो है एक साथ सारी जॉब्स, सारे टास्क उसको दे देता है विद सिमिलर रिक्वायरमेंट्स इनटू बैचेस। मतलब सारे के सारे जो जॉब है, सारा का सारा जो टास्क है वो इकट्ठा करके बैच में इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद वो ऑपरेटर को सबमिट करता है। और वो ऑपरेटर पे डिपेंड करता है कि ऑपरेटर क्या काम करता है, कि उसको सारे के सारे प्रोग्राम्स को सॉर्ट करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और उसके बाद जो है आगे सबमिट करता है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कंप्यूटर है, इसके साथ जो है फोर यूज़र्स, मतलब फोर यूज़र्स यूज कर रहे हैं इस कंप्यूटर को। अब देखिए कि यूज़र वन जो है जॉब देता है कंप्यूटर को, देन यूज़र टू देता है, यूज़र थ्री देता है, देन यूज़र फोर देता है। अब उसके बाद क्या होता है कि कंप्यूटर का काम क्या है कि वो बैच इकट्ठे करता है, बैच में उन सारी की सारी जॉब्स को क्या करता है, वो टास्क को क्या करता है, बैच में इकट्ठा कर लेता है। और बैच में इकट्ठा करने के बाद वापस कंप्यूटर ऑपरेटर को देता है ऑपरेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। तो इस तरह से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वर्क करता है। अनदर एग्जांपल आप देखिए कि यहाँ पे जैसे जॉब वन है, जॉब टू है और जॉब एन है, मतलब नंबर ऑफ जॉब्स हैं। जॉब यहाँ जॉब का मतलब है कि जो काम, जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर से करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि ये जॉब वन, जॉब टू और जॉब एन तक हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारी हो सकती हैं जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को दी। और इस बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि उन जॉब्स को, उन टास्क को, उन प्रोग्राम्स को बैच में इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद एज अ ग्रुप वो आगे सीपीयू को ट्रांसफ़र करता है फॉर फर्दर प्रोसीडिंग या फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो इस तरह से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वर्क करता है। नेक्स्ट देखिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब देखिए कि जैसे नेम से ही पता चल रहा है, नेम सजेस्ट कर रहा है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कि जैसे टाइम शेयर मतलब कई सारे प्रोसेसर हैं, कई सारी जॉब्स हैं, वो पर्टिकुलर सीपीयू जो है टाइम शेयर करता है कि इस टाइम पे ये वाला जॉब एग्जीक्यूट करनी है और नेक्स्ट टाइम पे जो है सेकंड जॉब एग्जीक्यूट करनी है, एंड देन अगले टाइम पे जो है थर्ड जॉब या थर्ड प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करना है, तो उसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डेफिनेशन देखिए, टाइम शेयरिंग इज़ अ टेक्निक विच अनेबल्स मैनी पीपल, काफ़ी सारे पीपल्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल्स, काफ़ी सारे टर्मिनल्स, काफ़ी सारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं इसमें, टू यूज़ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को काफ़ी सारे पर्सन, काफ़ी सारे यूज़र यूज़ करते हैं सेम टाइम पे। टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग इज़ अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब ये दोनों जो है, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है कि एक साथ कई सारे टास्क को इन्वॉल्व करके एक साथ कई सारे टास्क को एग्जीक्यूट करवाना, तो इज़ अ लॉजिकल एक्सटेंशन। किसका लॉजिकल एक्सटेंशन है? मल्टी प्रोग्रामिंग का। और मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है कि कई सारे एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाना। प्रोसेसर्स टाइम विच इज़ शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज टाइम शेयरिंग। अब इसमें देखिए कि प्रोसेसर जो है टाइम, जो प्रोसेसर का जो टाइम है विच इज़ शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली, मतलब सेम टाइम पे जो है काफ़ी सारे यूज़र उसको यूज़ करते हैं, उस टाइम को यूज़ करते हैं, शेयर करते हैं उस प्रोसेसर को, दैट इज़ कॉल्ड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे देखो, सबसे बड़ी एडवांटेजेस क्या है कि एक साथ कई सारे टास्क हो रहे हैं तो मल्टीटास्किंग है, ठीक है, मतलब इसमें टाइम सेविंग है। अब देखिए इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, देखिए प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ क्विक रिस्पॉन्स। अब देखिए इसका बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स आता है, कैसे? जैसे आप जो है सपोज कि प्रिंटिंग की कमांड यूज़ कर रहे हैं या आप प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, तो क्विकली जो है एक्सेस हो जाता है, आपने प्रिंटर को कमांड दी, उसके बाद जो है क्विकली उसका एग्जीक्यूशन या आउटपुट आपको मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर को अवॉइड करता है। नेक्स्ट क्या है? रिड्यूस सीपीयू आइडल टाइम। अब देखो, टाइम शेयरिंग है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, तो ऑब्वियसली जो है टाइम सेविंग टास्क है हमारा। नेक्स्ट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्या हैं वो? ये हैं कि प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी क्यों है? क्योंकि हम टाइम शेयरिंग में कई सारे टास्क एक साथ कर रहे हैं, मल्टी टास्किंग कर रहे हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि रिलायबिलिटी बहुत कम रहती है। क्यों कम रहती है? क्योंकि एक साथ कई सारे टास्क कर रहे हैं तो कॉलिजन होने की जो पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि उसमें कई बार वेटिंग टाइम जो है लग जाता है। दूसरा, क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूज़र प्रोग्राम्स एंड डाटा, बिल्कुल, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी जो है वो भी थोड़ी सी सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि कई सारे यूज़र उसको वर्क कर रहे हैं, कई सारे प्रोग्राम्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कई सारे यूज़र्स उसको यूज़ कर रहे हैं, टाइम शेयर कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए थोड़ा सा हार्मफुल है, क्योंकि हम जो कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है वो थोड़ा इफेक्टिव होने का उसका खतरा रहता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जब हमने कोई डाटा सेंड करना होता है तो उस टाइम कॉलिजन की प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी जब बन जाए तो डाटा सेंड होने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, और ये भी हो सकता है कि हमारा डाटा क्लैश हो जाए। तो यहाँ देखिए, जैसे ये एक प्रोग्राम है, सीपीयू है, जिसके साथ जो है तीन यूज़र्स, फोर फाइव सिक्स सिक्स यूज़र्स काम कर रहे हैं, यूज़र वन, यूज़र टू, यूज़र थ्री, यूज़र फोर एंड यूज़र फाइव सिक्स। अब देखिए, ये जो यूज़र फाइव है वहाँ पे वो एक्टिव स्टेट है, और यूज़र सिक्स में जो है वो रेडी स्टेट है। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम मल्टीपल, जिसमें हम पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं और और अलग अलग टर्मिनल्स को डाटा भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डेफिनेशन देखिए इसकी कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स यूज मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस एंड मल्टीपल यूजर्स। मतलब कि इसमें काफ़ी सारे मल्टीपल सीपीयूज यूज कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है रियल टाइम एप्लीकेशंस, रियल टाइम एप्लीकेशंस में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। एंड क्योंकि उसमें क्या होता है कि मल्टीपल यूजर काम करते हैं, डाटा प्रोसेसिंग जॉब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोसेसर्स अकॉर्डिंगली। क्योंकि डाटा प्रोसेसिंग जॉब्स मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अ वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा है हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अदर वन बाय वन जो है मल्टीपल यूजर्स को, और इसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखिए कि ये कंप्यूटर नेटवर्क है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में। जैसे यहाँ देखिए एक कंप्यूटर नेटवर्क है, उसमें ये देखिए कि टोपोलॉजीज यूज़ की गई है। ये साइट वन है, ये सर्वर है और इसमें स्टार टोपोलॉजी यूज़ की गई है। यहाँ पे देखिए साइट टू है, इसमें भी स्टार टोपोलॉजी यूज़ की गई है और साइट थ्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंप्यूटर नेटवर्क जो है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर को, वेरियस सर्वर्स को जो है डाटा ट्रांसफ़र करता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा है। इस डायग्राम में आप देखिए कि ये क्या कहता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है। क्योंकि ऑब्वियसली ये तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्किंग में ही सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो क्या है। द एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आर एज फॉलोज, कौन कौन सी हैं। With resource sharing facility, a user at one site may be able to use the resources available at another. मतलब कि हम जो है जितने भी resources हैं like as printer, scanner, इन सबको हम share कर सकते हैं from one computer to another। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक computer के साथ printer install है तो हम उसको sharing में डाल के, उस printer के को sharing में डाल के डिफरेंट कंप्यूटर से भी प्रिंटर की कमांड दे सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, आपकी कंप्यूटर की लैब है, उसमें एक कंप्यूटर में तो प्रिंटर इंस्टॉल है, ठीक है, बाकी कंप्यूटर्स में शेयर किया गया है। तो इट मींस कि अगर कंप्यूटर वन से भी आप कंप्यूटर की प्रिंटर की कमांड देते हो तब भी वो प्रिंट आउट निकालेगा, और कंप्यूटर टू से देते हो तब भी वो प्रिंट आउट निकालेगा। सपोज हो सकता है कि हमारे कंप्यूटर की जो दूसरी लैब है उसमें भी हमने शेयर कर रखा है प्रिंटर, तो वहाँ से भी आप प्रिंटर की कमांड को, प्रिंट की कमांड दे सकते हो। तो ये एक एडवांटेजेस है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की कि हम जो है पेरिफेरल डिवाइसेस को या कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं उनको अगर हम नेटवर्किंग पे डाल देते हैं, शेयरिंग पे डाल देते हैं, तो हम उनसे जो है काम ले सकते हैं। If one side fails in a distributed system, अब देखिए कि अगर एक साइड फेल होती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, द रिमेनिंग साइड्स कैन पोटेंशियली कंटिन्यू ऑपरेटिंग, और जो जितनी भी साइड्स हैं वो सारी की सारी काम करती रहेंगी। अभी प्रीवियस मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, इसमें देखिए कि कंप्यूटर नेटवर्क से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम से इन सबको शेयर किया गया है, ठीक है। अब देखिए कि अगर साइट वन ब्लॉक है, साइट वन काम नहीं कर रहे, तो इट डजेंट मीन कि साइट टू और थ्री भी काम नहीं करेंगी, ये दोनों कंटिन्यूसली काम करती रहेंगी, सिर्फ साइट वन ही ब्लॉक होगी। तो ये भी एक एडवांटेजेस है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। और स्पीड अप द एक्सचेंज ऑफ डाटा विद वन अनदर वाया ईमेल, जो है मतलब इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है वाया ईमेल जो है, हम डाटा जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस में ट्रांसफ़र कर सकती हैं। बेटर सर्विस टू द कस्टमर्स, बहुत अच्छी सर्विस है ये। रिडक्शन ऑफ द लोड ऑन द होस्ट कंप्यूटर, क्योंकि अब देखिए कि जब रिसोर्स शेयरिंग है
डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हम डाटा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम जॉब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रोग्राम्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो एक होस्ट कंप्यूटर पर सबसे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, एक सर्वर पर सबसे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। रिडक्शन ऑफ डिलेज इन डाटा प्रोसेसिंग, क्योंकि इससे डाटा प्रोसेसिंग भी फास्ट होती है। वो क्यों फास्ट होती है कि जब हमने हमने जो जॉब्स हैं या जो प्रोग्राम्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट ही कर दिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इससे इससे क्या बेनिफिट होगा कि रिडक्शन ऑफ डिलेज इन डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग में कोई भी किसी भी तरह से कोई भी डिले नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड्स द सर्वर द कैपेबिलिटी टू मैनेज डाटा, यूजर्स, ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस। मतलब नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर पर रन होता है, सर्वर पर काम करता है एंड प्रोवाइड्स द सर्वर द कैपेबिलिटी, और सर्वर को क्या कैपेबिलिटी या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, टू मैनेज डाटा, डाटा को मैनेज करना, यूजर्स को मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, क्योंकि यहाँ पे एक साथ कई सारे मल्टीपल यूजर्स, मल्टी यूजर्स काम कर सकते हैं, ग्रुप्स को मैनेज करना, कंट्रोल करना, मेंटेन करना, सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि पास जो ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में या हमारे जो डाटा बैकअप है उसमें किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, एप्लीकेशंस को कंट्रोल करना है, मेंटेन करना है एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस, और जितने भी नेटवर्किंग फंक्शंस जैसे चाहे वो रिसोर्स शेयरिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो ईमेल से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्च इंजन से रिलेटेड हो, चाहे वो वेब ब्राउजर से रिलेटेड हो, उन सबको मैनेज करता है, उन सबको मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू अलाउ शेयर्ड फाइल एंड प्रिंटर्स एक्सेस अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, टिपिकली अ लोकल एरिया नेटवर्क, अ प्राइवेट नेटवर्क और टू अदर नेटवर्क्स। मतलब कि इसका सबसे प्राइमरी जो मेथड है, जो प्राइमरी पर्पस है, जो प्राइमरी एम है, वो क्या है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि क्या अलाउ करता है। जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियसली थोड़ा सा मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हमारी लैब में अगर एक जगह पे कंप्यूटर पड़ा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें इंस्टॉल है कंप्यूटर हम उसी से प्रिंट आउट की कमांड दे सकते हैं, क्योंकि हमने उनको उस प्रिंटर को शेयर कर रखा है, उसको नेटवर्किंग पे डाल रखा है। और ज़्यादातर ये जो है लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि एक ही लैब में, एक ही बिल्डिंग में कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, और उस केस में हम पेरिफेरल डिवाइसेस या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या प्रिंटर्स मतलब को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे कंप्यूटर के साथ, और प्राइवेट नेटवर्क और टू अदर नेटवर्क, कोई किसी भी तरह का कोई भी नेटवर्क हो, टिपिकली ये जो है सबसे ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है। एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2003, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2003 में इंक्लूडेड है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स, नोवल नेटवेयर एंड बीएसडी, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि जो कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब में जो है इंक्लूडेड रहता है, इन्वॉल्व रहता है। यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ। देखिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे देखिए कि ये हमारा सर्वर है, सर्वर सॉफ्टवेयर है, क्लाइंट सर्वर है, ठीक है। उसके बाद जो है डिफरेंट डिफरेंट ये टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल्स कह दो या एजेंट कह दो, एक ये है, ये है, अब ये स्टार टोपोलॉजीज की तरह लग रहा है, एक ये है, ठीक है। मतलब 2, 3, 4, 5, 6 टर्मिनल्स आर इंक्लूडेड, 6 टर्मिनल्स आर इन्वॉल्व्ड टू दिस सर्वर सॉफ्टवेयर, और ये जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर पैनल है। तो मींस कि यहाँ से जो है हम जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे, सर्वर क्या करेगा, इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वन बाय वन, इनमें डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा, इनमें शेयरिंग भी करेगा, रिसोर्स शेयरिंग भी करेगा। तो इस तरह से नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लाया जाता है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस। देखिए सबसे पहले क्या है, सेंट्रलाइज सर्वर्स आर हाईली स्टेबल,
क्योंकि वो बिल्कुल जो हाईलीस्ट जो एक मेन सर्वर है जो अभी आप प्रीवियस डायग्राम में हमने देखा, यहाँ पे जो मेन सर्वर है वो क्या है, सेंट्रलाइज्ड है और बिल्कुल हाईली स्टेबल है। ठीक है, आगे देखिए सिक्योरिटी सर्वर मैनेज। अब देखो, अब जो भी सिक्योरिटी है ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन यूज़ ना कर सके आपके कंप्यूटर सिस्टम को, कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके, तो ये भी सर्वर मैनेज करता है। नेक्स्ट क्या है, अपग्रेड्स टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड हार्डवेयर कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड इन टू द सिस्टम। अब अगर किसी तरह की कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कई बार क्या होता है कि आपके सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं वो अपडेट्स मांगते हैं, या सच एज योर मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, आईफोन, उनमें भी यही चीज़ें होती हैं कि मोबाइल फ़ोन में भी अपडेट्स मांगते हैं सॉफ्टवेयर, एंड हार्डवेयर कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड इन टू द सिस्टम, और जो है बिल्कुल ईजिली आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपने कोई भी न्यू प्रिंटर या कोई भी न्यू सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, तो इजीली उसको एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट, रिमोट एक्सेस टू सर्वर्स इज पॉसिबल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। क्योंकि सर्वर क्या होता है कि एक मेन सर्वर जो कि डाटा को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है और डिफरेंट जो टर्मिनल्स है वहाँ से डाटा लेके उसका बैकअप भी मेंटेन करता है। ठीक है, बैकअप मेंटेन कर रहा है तो इट मींस कि डिफरेंट लोकेशन से बैकअप आ रहा है उसके पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम से आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्वर जो है वो क्या करता है, डाटा को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है और उसके बाद जो है जहाँ जहाँ जिस लोकेशन पे डाटा डिस्ट्रीब्यूट किया वहाँ से वापस जो है उसका बैकअप भी रखता है। नेक्स्ट है, डिसएडवांटेजेस भी हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो क्या है, क्योंकि ये जो है हाई कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड रनिंग अ सर्वर, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है और उसके बाद जो है सर्वर को रन करना भी बहुत टिपिकल होता है, उसके बाद डिपेंडेंसी ऑन अ सेंट्रल लोकेशन फॉर मोस्ट ऑपरेशन। कई बार ऐसा होता है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटर पे या फिर उसके सर्वर पे डिपेंड करता है सेंट्रलाइज, क्योंकि हम सर्वर में सेंट्रलाइज कर देते हैं और उस सर्वर पे डिपेंड करता है, सेंट्रल लोकेशन पे डिपेंड करता है काफ़ी सारे ऑपरेशंस, कि हम अपने कंप्यूटर से भी वो ऑपरेशंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो कि हम सर्वर से या एडमिनिस्ट्रेटर से कर सकते हैं। तो देन नेक्स्ट है, रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर रिक्वायर्ड। ये तो बिल्कुल ज़रूरी है कि सर्वर की जो रेगुलर मेंटेनेंस और उसकी जो अपडेट्स है वो भी ज़रूरी है, अदरवाइज मतलब आप इसकी अपडेट्स रिक्वायर्ड होती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी अपडेट्स हम करते रहें। अब देखिए कि इसकी अपडेट्स क्यों करते रहें, इसकी अपडेट्स रिक्वायर्ड क्यों है, क्योंकि इसमें सारा का सारा हमारा बैकअप रहता है और वो बैकअप कहीं जो है डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसकी वजह से ही हम इसको जो है अपडेट्स करते रहते हैं। नेक्स्ट है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है। अ रियल टाइम सिस्टम इज डिफाइंड एज अ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम इन विच द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स इज सो स्मॉल दैट इट कंट्रोल्स द एनवायरमेंट। द टाइम टेकन बाय द सिस्टम टू रिस्पॉन्ड टू एन इनपुट एंड डिस्प्ले ऑफ रिक्वायर्ड अपडेट इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज द रियल टाइम। सो इन दिस मैथड द रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू ऑनलाइन प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स, वेपन सिस्टम्स, रोबोट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाएं जो कि हमें रियल टाइम का एनवायरनमेंट दिखाती हैं। मतलब एक एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या काम करता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें ये बताता है कि हम रियल में वो काम कर रहे हैं। मींस कि जैसे ड्राइवर्स को ड्राइविंग सिखाना, या फिर स्मार्ट वेपन्स चलाना, या फिर एक पायलट को एरोप्लेन चलाना। अब ऐसा तो नहीं है कि एक पायलट को जाते ही प्लेन पे बिठा देते हैं और उसको कहते हैं कि चलाओ जी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो
तो मतलब एक सिमुलेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता है कि हम रियल में मतलब आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है कि आप रियल में वो चीज़ कर रहे हो, तो उसको कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में सबसे ज़्यादा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में, वेपन सिस्टम में, रोबोट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उसमें आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है कि आपको लगता है कि आप रियल में वो काम कर रहे हो। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होते हैं तो उसको हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखिए कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है, यूज़र है, ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, देन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है और हार्डवेयर है। मीन्स सबसे पहले क्या आएगा, आपका हार्डवेयर आएगा, फिर उसमें आप क्या डालोगे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, देन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप कौन कौन से प्रोग्राम, जैसे अभी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि ये प्रोग्राम आप यूज़ कर सकते हो, और यूज़ कौन कर रहा है, यूज़र। ओके, आई थिंक ब्लॉक डायग्राम ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं, मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के भी टू टाइप्स हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट वन इज़ हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स एंड सेकेंड वन इज़ सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। अब हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या होता है कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम गारंटी दैट क्रिटिकल टास्क कंप्लीट ऑन टाइम, मतलब जो टास्क है वो बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। इन हार्ड रियल टाइम सिस्टम सेकेंडरी स्टोरेज इज़ लिमिटेड, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो लिमिटेड होती है, और मिसिंग एंड द डाटा इज स्टोर्ड इन रैंडम एक्सेस, सॉरी रीड ओनली मेमोरी। और इन दीज सिस्टम्स, इस सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी इज ऑलमोस्ट नेवर फाउंड, और इन सिस्टम में, इस तरह के सिस्टम में जो है वर्चुअल मेमोरी नहीं होती है। नेक्स्ट जो है सॉफ्टवेयर रियल सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट रियल सिस्टम आर लेस रिस्ट्रिक्टिव, इसमें इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, एंड अ क्रिटिकल रियल टाइम टास्क गेट्स प्रायोरिटी ओवर अदर टास्क एंड रिटेन्स द प्रायोरिटी अंटिल इट्स कम्प्लीट्स। मतलब सबसे पहले जो है वो जॉब को कंप्लीट, टास्क कंप्लीट करने के लिए की ही प्रायोरिटी रखते हैं जब तक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता। रियल सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम हैव लिमिटेड यूटिलिटी देन हार्ड रियल टाइम सिस्टम। इसकी जो यूटिलिटी है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है सॉफ्ट रियल टाइम की, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शंस जो हैं एज हार्ड रियल टाइम सिस्टम के ज़्यादा नहीं होती हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे मल्टीमीडिया है, वर्चुअल रियलिटी है, एडवांस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं लाइक इंडस्ट्रियल एंड एक्सप्लोरेशन एंड प्लेनेटरी रोवर्स एक्सेट्रा। तो ये सब जो हैं इसके सॉफ्ट रियल टाइम के सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। थैंक्स।